Children, in today's class, we shall start with question number 10 from exercise 3.7. The topic is playing with numbers. Right? Let me read the question. Find the LCM of the following numbers. These are given A, B, C, and D part. We have to find the LCM of all these. Okay? Then, next it is given, observe a common property in the obtained LCMs. इन सब का हमने LCM निकालना है और फिर हमें LCM निकालने के बाद वी हैव टू ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी. हम इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं? इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस? क्या जो हमने LCM निकाला सबका, इज इट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? मतलब क्या है, जैसे हमने इसका LCM निकाला तो क्या ऐसा है कि जो LCM आया वो इन दोनों का प्रोडक्ट है? तो हम देखते हैं. लेट अस बिगिन. ए पार्ट, एलसीएम ऑफ 9 एंड 4. लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 9 एंड 4. 9 और 4 लिखा, 2 टू ज़ा 4, 9 इज हियर. अगेन 2 वन ज़ा 2, 9 इज हियर. देन 3, 3 ज़ा 9 एंड 3 वन ज़ा 3. ठीक है, तो लेट अस सी इसका एलसीएम क्या हुआ. एलसीएम इज व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36. ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं इनका हम प्रोडक्ट देखते हैं. लेट अस टेक द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ 9 and 4, this is equal to what? 9 into 4, which is equal to 36. ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे क्या है, LCM is 36 and product is 36. ठीक है, तो ये हो गया हमारा A part. Now let us take B part. What is B part? B part, we have to take the LCM of 12 and 5. So, LCM of 12 and 5. Let us take the LCM of 12 and 5. 12 and 5. We start with 2. 2 6s are 12. 5 as it is. 2 3s are 6. 5 as it is. Then goes by 3. 3 1s are 3. Then 5 as it is. Then goes by 5. 5 1s are 5. ठीक है, तो अब आप लिखो LCM कितना आ रहा है. LCM of 12 and 5 is what? 2 into 2 into 3 into 5. So let us take 2 into 2 into 3 into 5. ठीक है, 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60. So we get the LCM 60. Now let us take the product of these two numbers. Now product of 12 and 5. This is equal to what? 12 into 5, which is equal to 60. तो आप यहां देखो, आपका जो LCM है वो 60 है और जो product है दोनों numbers का वो 60 है. तो यहाँ पे भी हम क्या नोट कर रहे हैं कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, नाउ लेट अस टेक द सी पार्ट. सी पार्ट क्या है? 6 एंड 5. लेट अस टेक द LCM ऑफ 6 एंड 5. LCM निकालो 6 और 5 का. 2 3s are 6, 5 as it is. Then 3 1s are 3, 5 as it is. Then 5 1s are 5. ठीक है, तो अब आप LCM निकाल लो. तो LCM क्या हुआ 6 and 5 का? 2 into 3 into 5. 2 into 3 into 5. 2 3s are 6 and 6 5s are 30. तो हमारा LCM आ गया 30. ठीक है, अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स
So, product of 6 and 5, product of 6 and 5 क्या हुआ? 6 into 5 which is equal to 30, right? तो आप देखो यहाँ पे LCM 30 और product 30. तो यहाँ पे हम क्या observe कर रहे हैं कि LCM of the two numbers is equal to the product of the two numbers. ठीक है? अब next D part क्या है? 15 and 4. D part. LCM of 15 and 4. ठीक है? Now we take out the LCM. 15 and 4. Let us divide. 2 2s are 4. 15 as it is. Again divide by 2. मतलब 2 से फिर हम divide करते हैं. 2 1s are 2. और ये हो गया 15. अब next prime number is 3. So 3 5s are 15. Here 1. Next we take 5. 5 1s are 5. एन वन. तो इस तरह हमने 15 और 4 का एलसीएम निकाल लिया. एक बार रिपीट करती हूँ एलसीएम को. ये इवन नंबर है, सो वी बिगिन विद 2. 2 2 इज अ 4. अगेन इवन नंबर, इट गोज बाय 2. 2 वन इज अ 2. अब 15 है, 15 तो जाएगा नहीं 2 से. नेक्स्ट नंबर आया 3. 3 से देखा, 3 5 इज अ 15. फिर अब ये जो 5 है, इट विल गो बाय 5. 5 1s are 5. तो इस तरह हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और एलसीएम निकाल लिया. एलसीएम क्या हुआ 15 और 4 का? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है? 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 5s are 60. ये आ गया हमारा 60, राइट? अब प्रोडक्ट निकालते हैं हम नंबर्स का. प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 4, ये क्या हुआ? 15 इंटू 4 क्या आया? 60 आया. तो आप देखो एलसीएम 60 और प्रोडक्ट भी 60. ठीक है? तो हमने चारों केस में क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जो एलसीएम है दोनों नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. तो हम यही लिख देंगे. सो वी कंक्लूड दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स in each case is the product of those two numbers. Is this clear? So with this, I wind up. In the next class, I shall take up the next question.